हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का डोरमेट का वीडियो। ये बहुत ही इजी, इसको आप एकदम बच्चों के टुकड़ों से बना सकते हैं जो कि वेस्ट पड़े रहते हैं घर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल इन माय चैनल को बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिए, अपने कमेंट जरूर भेजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट की। आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए कपड़ों से डोरमेट। ये देखिए, मेरे सूट में से जो कपड़ा बचा हुआ था उसको मैं कट करूँगी। ये मैंने सूट सिला था। जो भी आपके पास कपड़े इस तरह के छोटे छोटे बचे हों आप उनको यूज कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया मैंने इसको यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से मैं इस तरह से 3.5 इंच का निशान लगाऊँगी यहाँ से। ये देखिए, 3.5 इंच चौड़ाई ले ली मैंने। ये देखिए, इधर से भी 3.5 इंच पे लगा दूंगी। ये देखिए, और इसको इस तरह से मिला दूंगी। ये देखिए, इसकी 3.5 इंच चौड़ाई है और 3.5 इंच लंबाई रखूंगी मैं इस तरह से यहाँ से। ये देखिए, ये बॉक्स बना लेंगे इसके इस तरह से। और देखिए, यहाँ से एक और मैं बता दे रही हूँ आपको 3.5 इंच का। जितनी इसकी 3.5 इंच लंबाई है 3.5 इंच चौड़ाई रखी है मैंने इसको। और देखिए, इसको मैं कट कर लूँगी। ये देखिए, इसको इस पे रख लूंगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसके डिब्बे टाइप के बन जाएंगे ये चौकोर। और देखिए, यहां से भी इसको कट कर देंगे। इसी तरह से मैं सारे पीसेस कट कर लूँगी। जितने कलर लगाऊंगी मैं उतने इसमें आप ले सकते हैं, जितने आपके पास हों वो आप कलर लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने बहुत सारे इस तरह से ये पीसेस कट के रख इस तरह से बराबर सभी कट किए हैं। और देखिए, ये देखिए, अब मुझे इस तरह की ये बोरी चाहिए। या आप चावल में से किसी जो आती है उसको भी यूज कर सकते हैं या फिर सीमेंट की यूज कर सकते हैं। इसकी देखिए लंबाई मैंने यहाँ से देखिए 19 इंच रखी है। और देखिए, चौड़ाई मैंने 13 इंच रखी है। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है। लंबाई इसकी 19 इंच है और चौड़ाई इसकी 13 इंच है। अब देखिए, यहाँ से मैं इसमें निशान लगाऊंगी। ये देखिए, इसमें मैं 3-3 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। देखिए, ये देखिए इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिए हैं। इधर भी लगा लूँगी इसी तरह से। ये देखिए, अब मैं यहाँ से जो मैंने निशान लगाया था उसी में से इस तरह से लाइन कर लूँगी इस तरह से। देखिए, सभी लाइनें इसी तरह से कर लूँगी। देखिए, ताकि आपका इधर उधर ना हो डोरमेट। कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, जो मैंने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया है इसके बीच से मैं सिलूंगी। यहाँ से इसके बीच से रखूँगी, अगली यहाँ से बीच से रखूँगी। और देखिए, एक मैंने ये बॉक्स लिया है जिसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए, और इस तरह से यहाँ से ऐसे, और देखिए ऐसे रखूँगी मैं। यहाँ से मैं एक सिलाई लगाऊँगी इसमें, बीच में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस पर मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा दी है। अब देखिए, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी
और देखिए एक बार और इस तरह से थोड़ा सा इसको इस तरह से देखिए इसको इतना देखिए इस तरह से ऐसे सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा सिलेंगे, अगला पीस लेंगे और देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और ऐसे, और देखिए थोड़ा सा ऐसे इस तरह से पूरा सिलते जाएंगे। जितने भी पीसेस हैं आपके, आप देखिए इसी तरह से इनको लगाते जाइए। ये देखिए इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से इसकी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा अंतर रखेंगे और इसको इसी तरह से देखिए इसी तरह से कंप्लीट। ये देखिए मैंने ये एक रो ये कंप्लीट कर ली है और देखिए इस साइड भी यहाँ तक मैंने सिलाया जहाँ तक मैंने ये इस तरह से ये बोरी रखी है। अब देखिए मैं इसी तरह से दूसरी रो बनाऊंगी। यहाँ पे इसको ऐसे रखे और ऐसे देखिए इसमें मैं बीच में इस रख रही हूँ। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इसको थोड़ा इससे टच होना चाहिए ताकि जब आप यहाँ से ऊपर से सिलाई करें तो ये दिखे नहीं बोरी। इस तरह से इतना बीच में रखेंगे तो ये अपने आप इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ से देखिए ऐसे ये देखिए इसको एक पीस लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसके पास में थोड़ा सा ऐसे रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरा कलर जितने भी आपके पास कलर हैं वो आप सारे के सारे इसमें यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे इस रो को भी। ये देखिए मैंने इस तरह से ये दो रो लगा ली हैं। अब देखिए मैं एक यहाँ पे ये रिबन ले रही हूँ, आप चाहे तो लेस भी ले सकते हैं, चुन्नी वगैरह की लेस भी, और या फिर कपड़ा आप कट कर लीजिए इतना चौड़ा वो आप यहाँ पे बीच में लगा लीजिए। देखिए इस तरह से मैं रखूँगी और एक साइड पहले सिलूँगी ऐसे यहाँ से रखते हुए। ये देखिए इसी तरह से इसके साइड से सिलाई करते हुए इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक साइड ये सिल के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इस साइड भी इस तरह से इसे यहाँ से दबाएंगे। ये देखिए दबाते जाएंगे इनको इस तरह से।
इसी तरह से इसको ये देखिए मैंने ये लगा के कंप्लीट कर ली है, और देखिए ये दो रो बना के कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से मैं सारी रो बनाने के बाद दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने ये सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए मैं इसका बॉर्डर लगाऊंगी। एक देखिए मैंने कपड़ा लिया है जो मैंने 1.5 इंच कट कर लिया है, और देखिए इसको मैं सबसे पहले यहाँ से ऐसे रख के सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने जो बॉर्डर लगा रही हूँ उस कपड़े को नीचे रखा है और इसको ऊपर। अब मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से अंदर को फोल्ड करूंगी और इसको थोड़ा सा दबाते हुए ऊपर की साइड इस तरह से यहाँ से बॉर्डर की सिलाई लगा दूंगी। इसको थोड़ा हल्के से, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, नहीं तो इसमें झोल आ सकती है। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ से ऐसे ये देखिए मैंने इस तरह से ये बॉर्डर लगा लिया है इस साइड, और इसी तरह से मैं चारों साइड इसमें बॉर्डर लगा के कंप्लीट करूँगी।